है गाइस, वेलकम टू द थंडर वर्ल्ड। आज हम वोम्ब मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि साल 2010 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी एक कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी है क्योंकि इस मूवी में माँ बेटे के रिश्ते को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है रेबेका नाम की औरत को जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपने मरे हुए पति टॉमी को याद करके कहती हैं कि मुझे तुम्हारा यह गिफ्ट बहुत पसंद आया है। इसके बाद रेबेका का बचपन दिखाया जाता है जब वो टॉमी के साथ खेला करती थी। रेबेका और टॉमी बचपन से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो एक बार रेबेका टॉमी के घर खेलने के लिए आती है। जब रेबेका के पिता टॉमी के पिता को कॉल करते हैं तो रेबेका सोने का नाटक करती है बिकॉज ऑफ कि वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। टॉमी के पिता के जाने के बाद वो दोनों एक स्नेल को देखते हैं। स्नेल को देख टॉमी कहता है कि इस स्नेल ने अभी दुनिया नहीं देखी है, मैं कल इसे बीच पर लेके जाऊंगा। अगले दिन रेबेका को अपने घर जाना होता है क्योंकि उसकी मोम की जापान में नौकरी लगी होती है। तो रेबेका वहाँ से जाने लगती है, तभी टॉमी रेबेका को पकड़ के किस कर लेता है बट फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। देन जब रेबेका नहा रही होती है तब टॉमी उसे कॉल करता है और रेबेका उसे कहती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जापान जा रही हूँ तो क्या तुम मुझे मिलने आओगे। जब रेबेका जाने वाली होती है तब वो टॉमी का इंतज़ार करती है बट टॉमी नहीं आता, देन वो चली जाती है। फिर 12 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जब रेबेका बड़ी हो चुकी होती है। वो टोक्यो से वापस आकर सीधे टॉमी के घर जाती है बट टॉमी की माँ से उसे पता चलता है कि टॉमी अब उनके साथ नहीं रहता। तो वो टॉमी का एड्रेस लेकर उसके पास जाती है जहाँ पर वो एक रोज नाम की लड़की को देखती है। तभी पीछे से टॉम की आवाज़ आती है कि कौन है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं एंड कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे में रेबेका टॉम से पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी तो टॉम उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, उससे मेरी कल ही मुलाकात हुई थी। एंड देन वो बीच पर स्विमिंग करने चला जाता है। शाम को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तभी टॉमी रेबेका को वो बचपन वाला स्नेल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद से मैंने इसे अपने पास संभाल के रखा था। और बातों बातें वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। देन अगली सुबह वो दोबारा से बीच पर जाते हैं। वहाँ टॉम रेबेका से कहता है कि मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना होगा कुछ काम के लिए। तो रेबेका भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी बट टॉमी उसे मना कर देता है। और शाम को घर पे टॉमी उसे कहता है कि मैंने एक कंपनी को मेरे जेनेटिक सैंपल्स दिए हैं जिनका कहना है कि मैं मरने के बाद भी जिंदा हो सकता हूँ। अगली सुबह जब वो कार में बैठ के जा रहे होते हैं तभी रेबेका कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तो टॉमी गाड़ी रास्ते को साइड में रोक देता है। रेबेका उतर कर थोड़े आगे जाती है तब उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाती है तो सड़क पे टॉमी की पड़ी हुई लाश को देखती है। दरअसल जब टॉमी ने गाड़ी रोकी थी तब गाड़ी से उतरते टाइम एक ट्रक ने टॉमी को टक्कर मार दी थी। ये सब देख रेबेका काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर रेबेका के घर टॉमी के पेरेंट्स आते हैं तो रेबेका उनसे कहते हैं कि टॉमी वापस जिंदा हो सकता है, उसने अपने जेनेटिक सेल्स को एक कंपनी में दिए हैं जो कि दावा करते हैं कि वो वापस जिंदा कर सकते हैं। तभी टॉमी की माँ उसे कहती हैं कि मेरा बेटा कोई जानवर नहीं है। एंड देन वो चले जाते हैं। अगले दिन टॉमी के पिता रेबेका को टॉमी के जेनेटिक सैंपल्स देते हैं जिन्हें लेकर रेबेका जेनेटिक लैब आती है और अपना इलाज करवाती है। इसके बाद से हमें रेबेका प्रेग्नेंट दिखाई जाती है और कुछ टाइम के बाद रेबेका एक बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम वो टॉमी ही रखती है और वो उसे टॉमी की ही तरह ट्रीट करती है। देन अब टॉमी 5 साल का हो जाता है और वो अपने पिता के बारे में रेबेका से पूछता है। तो रेबेका उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता की 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। देन टॉमी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की होती है। उससे रेबेका कहते हैं कि तुम चाहो तो हमारे घर खेलने के लिए आ सकती हो बट वो लड़की चुपचाप चली जाती है। जब घर पे आने के बाद एक औरत रेबेका से कहती है कि क्या तुमने उस लड़की को तुम्हारे घर खेलने के लिए बुलाया था। तो रेबेका हाँ कहती है। तभी औरत कहती है कि उस लड़की की माँ ने अपनी ही माँ को जन्म दिया है जैसे कि रेबेका ने टॉमी को जन्म दिया है। तो रेबेका टॉमी को समझाती है कि वो उस लड़की के साथ ना खेले। और अगले दिन वो बीच पर जाते हैं जहाँ पर टॉमी एक स्नेल को देखता है और कहता है कि क्या हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं। तो रेबेका कहती है कि कौन सा घर, यही तो हमारा घर है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ और वो टॉमी का दोस्त बन जाता है। अगले दिन जब टॉमी रेबेका के साथ खेल रहा होता है तो टॉमी रेबेका को नीचे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। बट तभी वहाँ पे टॉमी का दोस्त आ जाता है, वो उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। अब टॉमी बड़ा हो जाता है। और वो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है। रेबेका जब टॉमी के रूम में जाते हैं तब टॉमी किसी लड़की के साथ सोया होता है और यह देख रेबेका को अच्छा नहीं लगता। टॉमी उसे कहता है कि मुझे मोनिका के साथ रहना अच्छा लगता है। टॉमी और मोनिका के साथ सोने से रेबेका को बुरा फील होता है। अगले दिन जब मोनिका रनिंग कर रही होती है तभी रेबेका टॉमी के कमरे में जाके सो जाती है। टॉमी जब यह सब देखता है तो तुरंत ही अपने कपड़े पहन लेता है और बाहर जाता है। तभी मोनिका आके टॉमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है बट टॉमी उसे रोक के बीच में नहाने के लिए लेके जाता है। जब रेबेका घर के बाहर बैठी होती है तो वहाँ पर टॉमी और मोनिका आते हैं और टॉमी अपनी माँ के साथ मस्ती करने लगता है और मस्ती मस्ती में वो रेबेका के शर्ट में अपना सर डाल देता है। यह सब देख मोनिका वहाँ से चली जाती है एंड देन टॉमी भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो बीच से वापस घर आते हैं तो टॉमी एक औरत को देखता है। उसे देख वो अपनी माँ रेबेका से पूछता है कि ये औरत कौन है बट रेबेका कुछ भी नहीं कहती। दरअसल ये औरत पहले वाले टॉमी की माँ होती है यानी कि इस वाले टॉमी की ग्रैंड मदर होती है। शाम को भी टॉमी पूछता है कि वो औरत कौन थी बट रेबेका उसे कुछ भी नहीं बताती। अगली सुबह टॉमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उस औरत को जानता हूँ और वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। तभी वहाँ से मोनिका जाने वाली होती है। उसके जाने के बाद टॉमी रेबेका के कमरे में जाता है जहाँ पर रेबेका उसे टॉमी का लैपटॉप देती है जिसमें ये टॉमी उसकी फोटोज और वीडियोस देख के सब कुछ समझ जाता है और वो अपनी माँ को पीछे से पकड़ के बेड पे गिरा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होने के बाद टॉमी घर छोड़ के चला जाता है और रेबेका भी उसे नहीं रोकती। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइस इस मूवी में जिस तरह से माँ और बेटे के रिश्ते को दिखाया गया है ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है और काफ़ी सारी कंट्रीज में इस मूवी को बैन करने की मांग भी जताई है। सो गाइस आई होप कि हमको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हमको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।